नमस्कार, मैं हूं सचिन मिश्रा और आप देख रहे हैं डी पीपल वॉइस। भारत एक सेक्युलर देश है और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब ही विभिन्नता में भी एकता और सौहार्द का प्रतीक है। ये सभी बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन कुछ समय से जिस प्रकार की अनेकों घटनाएं घटी हैं, वो कहीं ना कहीं इन सुनी सुनाई मीठी मीठी जुमलों पर सवाल या निशान खड़ी करती हैं। बिहार की राजधानी पटना में 20 अप्रैल को दिन दहाड़े स्थानीय युवक सनी गुप्ता को इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी गई क्योंकि वह कोरोना काल में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे एक विशेष समुदाय के युवक मोहम्मद चांद का विरोध किया। लेकिन क्या वाकई में सनी गुप्ता की हत्या के पीछे यही सच्चाई है, या फिर पटना पुलिस किसी के दबाव में आकर सही तथ्य को उजागर नहीं कर रही है? क्योंकि जिस तरह से सनी की निर्मम हत्या के बाद मोहल्ले के एक आदमी भी हत्यारा के विरोध नहीं किया, ऊपर से सनी के अंतिम संस्कार के समय एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा पथराव किया गया, उस सेक्युलरिज्म और गंगा जमनी तहजीब की बातें करने वाले लोगों के मुंह पर एक तमाचा है। क्या पटना सिटी को भी कैराना बनाने की साजिश हो रही है? क्योंकि डी पीपल वॉइस का ग्राउंड रिपोर्ट तो इसी ओर इशारा करता है। एक पिता का दर्द समझिए जो अपने बैंड के जरिए दूसरों के घरों में खुशियां बांटता है, लेकिन आज उसके खुद के घरों में मातम और भय का माहौल है। पहले तो एक पिता के सामने उसके इकलौते बेटे की हत्या कर दी जाती है, फिर बेटे की अंतिम यात्रा में पथराव किया जाता है। अब वही पिता अपने जीवन भर की मेहनत से बनाए आशियाने को इसलिए बेचने को मजबूर है क्योंकि वह मोहल्ले के लोगों से भयभीत है और पुलिस उसकी उचित सहायता नहीं कर रही है। हालांकि अब सनी गुप्ता के परिवार के सहायता के लिए महिला विकास मंच सामने आया है। महिला विकास मंच के संरक्षक वीना मानवी ने कहा है कि सनी के परिवार को भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हम सनी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाकर रहेंगे। उन्होंने प्रशासन से परिवार को सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की है। देखिए डी पीपल वॉइस की पूरी रिपोर्ट में। आपका स्वागत है। आज हम पटना के पटना सिटी के खाजे कला के पास में एक सनी गुप्ता जी है जिनका कुछ दिनों पहले हत्या कर दी गई थी निर्मम यहाँ के कुछ अपराधियों के द्वारा। उनके परिवार के लोगों ने का आरोप है कि यह जानबूझकर साजिशन हत्या की गई है और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अभी हम बता रहे हैं कि ये सनी गुप्ता जी के बेटे हैं। इस मासूम के सिर से पिता का साया उठ गया है। ये एक छोटी बच्ची है उन्हीं की, और ये एक पत्नी है जिनके हैं सो अरमान सारे हैं सो इस चकनाचूर हो गए हैं। और इस समय में जो इनके पिता के बुढ़ापे की लाठी है वो किसी ने छीन ली है। माँ के आंखों का तारा दूर कहीं सितारों के बीच में जाकर खो गया है। और ये तमाम चीजें होने के बाद जब यहाँ पर पुलिस आती है, जब यहाँ पर प्रशासन आता है, तो वो कहती है कि भाई गोली गलती से चल गई। और यहाँ के लोग कहते हैं कि गलती से वो घर में भी आ जाता है, गलती से वो नेहा नेहा जी बताइएगा, अक्सर हम लोग सुनते हैं अखबारों में टीवी के माध्यम से या अन्य जगहों से जब भी किसी की हत्या इस तरह से कर दी जाती है तो उसके परिवार को मुआवजा मिलता है, सरकार के तरफ से एक रकम की घोषणा होती है, नौकरी आदि की घोषणा होती है। तो क्या आपके परिवार को इस तरह की कोई सुविधा मिली सरकार की तरफ से? कुछ नहीं मिली। आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहती हैं सरकार से? जैसा महिला विकास मंच की महिलाएं बता रही थी कि नौकरी वगैरह होनी चाहिए, तो क्या आपकी भी मांग वही है कि क्या? ठीक है, आप कौन हैं? आप उनके पिताजी हैं जी। तो ये एक पिता है जो अभी के समय में निराश है इस व्यवस्था से, और इन्हें लगता है कि निराश होने से काम नहीं चलेगा। ये कमजोर नहीं हुए हैं, टूटे नहीं हैं, ये अन्य लोगों के जो समाज के अन्य लोग आगे आ रहे हैं उनके साथ से ये मजबूत हुए हैं। आप बताइए क्या आपका संकल्प है कि जो अपराधी है वो जेल के पीछे होने चाहिए, फांसी के तख्ते से लटकने चाहिए? यहाँ जो हमारे साथ मैं अनुवाद नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने आप को शक्ति बना कर रखा हूँ। मैं चाहता हूँ प्रशासन से कम से कम जो कम से कम फांसी की सजा हो, हमारे पुत्रों का नौकरी मिल जाए और देखभाल करने के लिए क्या करें, हम तो बहुत दुखी हैं। अगर यही हमारा सन्नी बेटा मुसलमान को मार देता, गोली चला देता, तो आज हमारे ये मकान नज़र नहीं आता। जी हाँ, कोई नजर नहीं आता, एक से एक ईट से ईट पर जाता। मैं एक भी मुसलमान को यहाँ पर एक ईटा भी नहीं मारा हूँ कि नहीं मेरे एक मुसलमान मारा है तो उसको मार दे। अगर हमारी बेटा मरे हैं, आज नीतीश बाबू नहीं आए, अगर मुसलमान का बेटा मर जाए तो नीतीश बाबू एकदम जरूर आते हैं वहाँ। उनकी तो अच्छा मैं मेरे गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से गोली गलती से चल गई, क्या मतलब? वो तो अपना बताना, हमने दिखाया ये सर देखिए ये एक काला वाला फोर्स कहाँ से आ रहा है, तो नहीं मेरे ड्यूटी में नहीं है तो हम भी ड्रेस पहन के कर सकते, तो मेरा भी नहीं होगा सर। ये तो प्रशासन के सर क्या बताएं, उनकी हाथ हमारा तो कुछ सुनने वाला नहीं, मेरा तो राज चल गया सर।
और ये भी सुनने में आया है कि आप लोग के ऊपर केस किया गया है, जब आपके बच्चे मरे हैं उसके बाद आपके ऊपर केस किया गया। आप सोचिए कि हम एक बेटा को अपना मन पोस्टमास्टर होता है, अभी हमने समय नहीं देखा और 15 मिनट में अपने लिहाज को निकाल दिया। और मैं ईटा चलाऊंगा, मेरा परिवार ईटा चलाएगा, वह दुखी में आप देख सकते हैं। आप मैं फोटो भेजूंगा, देख लीजिए, एक भी मुसलमान का उधर से नाम नहीं, मेरा परिवार और समाज का नाम ऊपर है। हमने बहुत दुखी है सर, मैं क्या बताऊं, मैं मुसलमानों का सपोर्ट मिला है किसी मुसलमान नहीं, कोई तो एक पूछने वाले तो नहीं आए। अगर बगल के कोई एक व्यक्ति भी मेरे आंसू पूछने के लिए ना आए कि हाँ गोपाल हम कराओ नहीं, हम तो पास कोई भी मुस्लिम नहीं आए, कोई मुस्लिम नहीं आए हमारे पास, कोई भी नहीं आए। आप लोग उनके परिवार के लोग हैं, आप कौन है, भाई हैं क्या उनके, छोटे भाई, छोटे भाई, बताइए उस दिन क्या मामला हुआ था, कैसे घटना घटा है? मामला ये हुआ था कि आए दिन की तरह लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा था गली में जी, तो उसी कारण एनसीसी के कुछ कैंडिडेट गली में प्रवेश किया, उसी कारण थोड़ा भगदड़ मचा जी। तो भगदड़ के दौरान मोहम्मद चांद और नसर और हरी बहन सबका आरोपी का और मोहम्मद चांद वो लोग हमने घर में घुसने की कोशिश की। अच्छा, उनका घर तो बगल में है, तो वो अपने घर में घुस के आपके घर? हाँ, बचने के लिए जस्ट, मतलब पुलिस उधर से एंट्री किया तो पहले घर के पार किया तो मेरे घर में घुसेगा जी। तो उतना ही में मतलब कि हम लोग घर तो ये लोग का उसके पिताजी बोलने लगे, ये लोग का काम तमाम कर दो, यही मौका, ये लोग का मन भर गया है। तो उतना ही बात हुआ तो भाई जब हम लोग ऊपर भेज दिया, उतना ही में भाई नीचे ताका तो मोहम्मद चांद ने नीचे से गोली चला दिया। पहले से विवाद था और पहले से इसका विवाद था कि आए दिन वो सताता रहता था और उसका पिता बोलता था घर खाली कर दो, यहाँ से घर खाली करके चल। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आ गई है महिला विकास मंच की वीर योद्धाएं, आइए इनसे भी हम जानते हैं कि कैसे इनको सूचना मिली और क्यों इस लड़ाई को लड़ने के लिए इनको जरूरत महसूस हुई कि आके सनी गुप्ता जी के परिवार वालों का साथ देना चाहिए। हम मैडम आपको सनी गुप्ता जी के मदर के बारे में सूचना मिली, आप यहाँ पर आई लड़ाई में, क्या लगता है कि क्या अपडेट है, किस काम क्यों इस लड़ाई को लड़ना जरूरी होगा? देखिए, ये लड़ाई तो चुकी है, ये दलील है, कानून के चौराहा गली को बोला जाता है, तो यहाँ गैर कानूनी हथियार का धंधा आज से नहीं काफी सालों से चल रहा है और ये बात यहाँ की प्रशासन के नजर में है, लेकिन प्रशासन भी परेशान है इन चीजों से और उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है क्योंकि मामला बहुत ही संगीन है। लेकिन जहाँ तक सनी गुप्ता का मैटर है, उस मैटर में हमें किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं चाहिए, अपराधी चाहे, किसी ने हमसे कहा कि अगर इसमें मैटर में पुलिस एक्टिव होती है तो हिंदू मुस्लिम राइट हो जाएगा। एक बात बताइए कि निर्भया हत्या को 7 साल बाद फांसी मिली, तो वो तो सारे बच्चे हिंदू थे, मामला हिंदू मुस्लिम का नहीं है, मामला है अपराधी अपराधी होता है चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। अगर अपराध किसी हिंदू ने किया होता तो उन्हें भी सजा होनी चाहिए थी, आजीवन कारावास फांसी। अपराध अगर मुस्लिम कर रहे हैं तो उन्हें भी होनी चाहिए। यहाँ किसी भी विवादित मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी हिंदू मुस्लिम राइट की जरूरत नहीं है। यहाँ अपराधी धारणा जो है वो हर किसी में भी हो सकती है, संकीर्ण मानसिकता हिंदुओं में नहीं है क्या? तो क्रिमिनल्स कोई भी हो सकते हैं। तो हम न्याय दिलाने आए हैं नेहा को, सन्नी की माँ को। नेहा इस केस को फाइट करेगी, 8 तारीख का डेट है। और आनंद कुमार एडवोकेट जो क्रिमिनल लॉयर हैं, हाई कोर्ट के हैं, वो भी हमारे साथ आए हुए हैं और कानूनन जो भी प्रक्रिया होगी उसके अगेंस्ट हम लोग नहीं जाएंगे, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे। अच्छा मैडम, अभी लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन की स्थिति में कैसे एक अपराधी का इतना मनोबल बढ़ता है कि वो ग्रुप में कहीं पर भी घूमता है और हथियार के साथ घूमता है और लोगों के ऊपर हत्या? क्या लगता है कि प्रशासन व्यवस्था जो होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं पुलिसिंग हमारी कमजोर है, प्रशासन कमजोर है, लोगों को न्याय दिलाने में असक्षम है? महिला विकास मंच क्या कहती है? बहुत दुखद है ये जान करके भी कि लॉकडाउन में भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और बहुत दुख होता है, लेकिन ये लोग बता रहे हैं कि इस गली में लॉकडाउन का कुछ प्रभाव ही नहीं था। अच्छा। 100 से ज्यादा लोग गली में घूमते रहते थे, तो मालूम नहीं प्रशासन की इधर निगाह पड़ी या ना पड़ी, लेकिन जिस दिन पड़ी और ये जो एक परिवार था ये अपने ऊपर प्रशासन की ये रखे हुए थे और ये मना करने जाते थे, तो आज देखिए नतीजा ये निकला।
ये बार बार निकल के लोगों को कहते थे कि आगाह करते थे कि ये डरेगा नहीं, कोरोना किसी चीज से नहीं डरेगा, किसी को भी हो जाएगा तो सब लोग बचो। तो देखिए आज ये नतीजा उसी का है, इसको किसी भी तरफ मोड़ दीजिए, लेकिन ये मोदी जी के इसमें इन्होंने बताया कि दिया ही गया तो उस दिन भी यहाँ फायरिंग। ये लोग मतलब लोगों को बीमारी से बचने के लिए समझाने का खामियाजा उस परिवार को भुगतना पड़ा। सही बात है, ये खामियाजा ये इतना बुरा है कि छोटे छोटे बच्चे जिनके चले गए फादर, अब उनका हम लोग तो कहते हैं महिला विकास मंच बस मांग करती है कि विधवा को नौकरी मिल जाए और उनको मुआवजा मिले। कैसे चलेगा उसकी जिंदगी, बहुत छोटी उम्र है और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनका बेड़ा चुकी बहुत बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना। बचने का कोई चांस है क्या? किस किस तरह के प्रशासन जो है, प्रशासन के लोग अपराधी को बचाना चाह रहे हैं। वाकई जो अभी उनके छोटे भाई ने, मृतक के छोटे भाई ने जो वो बयान दिया, उनकी माँ जो बयान दे रही है, उनकी पत्नी बयान दे रही है, उनके फादर बयान दे रहे हैं, सब लोग एक बात को बोल रहे हैं कि चांद और उसका बाप जो था हसनैन, दोनों इन लोगों को पिछले 2 साल से कहता था मकान बेच दो, खाली करके चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे बेटा का साथ। अच्छा, यही बोलता था इन लोगों को। ये लोग भी बार बार इस बयान को बोल रहे हैं, पुलिस इसके बयान को दर्ज भी नहीं कर रही है। अगर पुलिस यहाँ नहीं दर्ज करेगी तो कोर्ट में तो लोग अपना बयान दर्ज कराएंगे। और अभी तक पुलिस ने बयान भी दर्ज नहीं किया, अभी तक पुलिस ने इनका बयान भी दर्ज नहीं किया है। और जब 2 साल से ये लोग धमकी दे रहे थे, ये लोग बार बार यही कह रहे हैं कि उसी का उस दिन जो भीड़ भाड़ और जो भगदड़ मची उसका फायदा उठाते हुए उसका चांद, इनका जो बेटा है ये सन्नी को निशाना लगा के, यही मौका है, उसने बोला ये मौका है साफ, निशाना लगा के गोली मारा, इतना सटीक गोली किसी को बिना निशाना लगाए गलती से नहीं लग सकती। और अगर कोई आसमानी फायरिंग करेगा ना, वो सीधा करेगा आकाश में, इसलिए ऊपर तिरछा नहीं करेगा। तो इसीलिए जो भी उसने जानबूझकर इरादतन हत्या जिसको बोलते हैं, इरादतन हत्या उसने सन्नी की है चांद, तो इसमें बचने की तो कोई संभावना नहीं है, फांसी होनी तय है चांद की, मोहम्मद चांद। हर हाल में उसको यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक उसके बेल का मैं अपोज करूँगा। और चूंकि हमारे वैसे